बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल एनपीआर के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने जब सवाल किया तो उसके बाद बीजेपी के कुछ विधायक भड़क गए। आप देखिए किस तरीके से सदन में ही काफ़ी हंगामा हुआ, स्थिति बहुत ही अलग तरह की हो गई। आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं और तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, वह आपस में भिड़ गए। उसके बाद एनपीआर मामले को लेकर जमकर बहस हुई। अपने पिछले सदन में कहा था महोदय, 13/1/2020 को कहा था कि अगर विपक्ष और कोई भी माननीय सदस्य अगर किसो चाहे एनआरपी का मामला हो चाहे एनसीआर का मामला है महोदय, इस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है महोदय। महोदय आता है सरकार तैयार है। और महोदय मैं तो सरकार की ओर से दिया है नियम के 43 के तहत सूचना महोदय आपको दिया है कि किया जा सके महोदय, सदन सरकार तैयार है। माननीय सदस्यगण के साथ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कार्य स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है। वो सीएए एनआरसी एनपीआर के संबंध में जो स्थिति या लोगों की भावनाएं बन रही है, कार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने भी बताया कि मुख्यमंत्री ने भी पिछले सदन में कहा था कि अगर सदन विचार करना चाहता है तो करे। उन्होंने कहा इच्छा तो यह थी कि अगर इसको समय पर उठाते और जो वित्तीय कार्य है उसके बाद कर लेते, इच्छा है अभी ही हो जाए और दोनों पक्ष चाहते हैं तो आसन को क्या ऐतराज हो सकता है, आसन को क्या ऐतराज। तो इस तो संख्या चूंकि आसन का काम सिद्दीकी जी ने हल्का कर दिया। क्योंकि बता दें बैठ जाइए चूंकि 2 बजे से वित्तीय कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है वो निर्धारित है, विमर्श होगा। और चूंकि सारे लोग इसमें ये ऐसा विषय सब लोग बोलना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष इसके लीड मूवर भी हैं, इसलिए 35-40 मिनट जो सरकार की तरफ से जवाब आएगा, इसलिए इसकी चर्चा कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए प्रस्ताव इसमें बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने बयान दिया वो पूरी तरीके से गुमराह करने वाला बयान था, ये अधिसूचना है महोदय सुशील मोदी जी ने, ये नेता प्रतिपक्ष से दिन पहले हायाघाट में उन्होंने ये कहा कि एनपीआर जो है 2010 के हिसाब से होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, और एनआरसी जो है लागू नहीं होगा। हालांकि एनपीआर जो तो नियम से चलेगा, नियमावली से चलेगा, जब चाहेंगे नेता विपक्ष कोई बात आप बताइए कि किस नियम के तहत खड़ा होकर के अपनी बात को रख रहे हैं, पूर्ण मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर कार्य स्थगन के संबंध तो सबसे कार्य स्थगन प्रस्ताव पहले भी मंजूर हुआ है और इस अगर मुख्यमंत्री जी भी होंगे तो क्या इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते।
स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये अति गंभीर मामला है महोदय। हम कुछ बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन नहीं, आप मौका दीजिए महोदय, दो मिनट लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी ने पूरी ट्विटर हैंडल पे ये नोटिफिकेशन जारी किया, अधिनियम सन 1948 के अधीन बनाए बनाई गई नियमावली की धारा 8 खंड 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का बिहार के राज्यपाल आदेश देते हैं कि